हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये तय हो चुका है कि बॉलीवुड नहीं सुधरने वाला है। जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही बॉलीवुड इन तीन चार टॉपिक के अलावा कोई मूवी नहीं बना सकता। या तो किसी की कॉपी कर लो, साउथ में कोई अच्छी हिट मूवी बनी है जो ऑस्कर तक पहुंच गई, या फिर कोई अच्छा अवार्ड जिसने जीते हैं उनकी कॉपी कर दो, बॉलीवुड की कॉपी कर दो। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, अगर 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, तो देश के नाम पर कोई मूवी रिलीज कर दो, देशभक्ति वाली कोई मूवी रिलीज कर दो। दूसरा, तीसरा, अगर कोई मैच जीता है कोई क्रिकेट में या फिर किसी में स्पोर्ट्स में किसी ने अच्छा किया है, उसकी बायोग्राफी बना दो, उस पर बेस मूवी बना दो। चौथा, अगर किसी ने गैंगस्टर में या फिर कोई कांड हुआ है बड़ा देश के अंदर या बाहर, या कुछ हादसा हुआ है, या कोई ट्रेन हादसा, कोई बड़ा हादसा, भीषण हादसा, कोई कुछ भी टाइप का, किसी भी टाइप का, जिस पर 2-3 घंटे की मूवी बन सकती है, उस पर मूवी बना दो। इन चार टॉपिक के अलावा बॉलीवुड में अगर कोई मूवी बनी है वो हिट होगी, वो हिट होगी। तो गाइस, चार टॉपिक ये इसी पर ही बॉलीवुड घूमता है और इसी पर ही कमाता है। अभी यार गाइस, यहां पे ये सीन देखिए, ये सीन देखिए हॉलीवुड, यहां पे मैंने देखते ही मेरा दिमाग यहां खराब हो गया था। हॉलीवुड की टॉप कन मूवी का पूरा पूरा सीन कॉपी करके छेप दिया। अभी हम देख सकते हैं यार, यहां पे हॉलीवुड में जो मूवी बन जाती है उनको यहां पे लेवल मैच कर ही नहीं पाओगे आप किसी भी हालत में। यहां पे कंगना रावत ने भी एयरफोर्स बेस पे तेजस मूवी निकाली थी, क्या हाल हुआ था सारी दुनिया को पता, कोई कुतिया भी देखने नहीं गया था उसको। तो यहां पे सीन सारे कॉपी। इसमें देखो एयरफोर्स के जो मूवी बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है बनाओ देशभक्ति की मूवी बनाओ, लेकिन इसमें आप देशभक्ति का फील नहीं लेके आ सकते। रीजन, आप अगर आर्मी पे मूवी बना रहे हो तो यार वो फील्ड में लड़ते हैं आदमी, आपस में बातचीत करते हैं, उनके बीच में आप कुछ भी बात को रख सकते हैं या फिर आपको महसूस कर पाओगे कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है फील्ड में। लेकिन आप हवा में घूम रहे हो, एक बंदा एक ही जेट में बैठा है, हेलीकॉप्टर में दो आदमी बैठे, तो उनकी कितनी कन्वर्सेशन, क्या देशभक्ति फील करा पाओगे आप जनता को। यहाँ पे देखिए कुछ भी सीन में, यहाँ पे देखिए 3-4 तो एंट्री सीन बना देंगे एयरपोर्ट के पास में, जेट से उतरने के टाइम का एंट्री सीन, कंगना का एंट्री, इसका सॉरी दीपिका का एंट्री सीन, रणवीर का, अरे यार क्या याद आ रहा है, ऋतिक का एंट्री सीन। यार एंट्री सीन पे मूवी नहीं चलती है, और ये ऊपर नीचे सू सा सीन सा अलग अलग लोकेशन पे, कभी ग्राउंड के पास से, कभी बादलों में, कभी यहाँ पे पहाड़ों में, ऐसे ऐसे मूवी नहीं हिट होती भाई साहब, ऐसे मूवी हिट नहीं होती। इस मूवी की स्टोरी मैं प्रेडिक्ट करके आपको दे देता हूं भाई साहब, कुछ नहीं करना है इसमें। या तो एक आदि कोई डेथ हुई होगी, कोई शहीद हुआ होगा, उसका सीन एक चिपका दिया, देख लीजिए 10 मिनट की बकवास यहां पर करी गई है। देखो यहां पे देखो, ये देखो यार, इससे क्यों नहीं उबर जाता बॉलीवुड यार, ये क्या मजाक बना रहा है। जरूरी था क्या देशभक्ति की मूवी में भी इसमें ऐसे करना यार, क्या जरूरी था तुम घूम फिर के, तुम्हें बोल्ड सीन, आइटम डांस, ये इसी पर आ जाना है हर मूवी में, तो कौन देखने जाएगा भाई साहब। या इस सीन के 10-15 मिनट मूवी ने खराब किए होंगे, एक दो सीन एक्शन के सीन के डालेंगे, एक लव स्टोरी और ये चुमा चाटी का डाला होगा, एक आइटम डांस डाला होगा, 2-3 ऐसे खास प्रीतम रितम के लिखे हुए गाने जो मूवी को हिट कराने के लिए डाल दिए गए होंगे, 2-3 ब्लड सॉन्ग सीन और बाकी बादल, कभी पेड़, कभी झरने, कभी क्या, बिल्कुल घटिया मूवी होने वाले। मतलब कि यार ठीक है, बड़े बड़े नाम है, ऋतिक है, पादुकोण है, कुछ भी हो, लेकिन यार बॉलीवुड इनसे ऊपर मेरे को नहीं लगता कि उठ पाएगा। अगले साल की जब शुरुआत की पहली मूवी ऐसी दे रहा है जिसमें कॉपी पेस्ट वाले सीन कर रखे हैं पूरे के पूरे, और सू सा वीएफएक्स बढ़ा देने से वो नहीं होता। कहानी में स्टोरी होनी चाहिए, कहानी बना रहे हो, लोगों को पसंद आनी चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। बड़े नाम, एयरफोर्स, हवाई जहाज, 3D अब 3D में मूवी लेकर आपको लग रहा है कि हमने अच्छे वीएफएक्स बना दिए, 3D में देखेंगे तो लोगों को थोड़ा और ज्यादा एक्साइटेड होंगे और अच्छी रिव्यू देंगे, यार ऐसे नहीं होता है। अभी इसका टीजर में ही गंदा हाल है, आपका ट्रेलर आएगा उसमें भी अगर फ्लाइट इनके अलावा कुछ सीन मिल जाए आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, देख लेना गाइस। तो गाइस आप ये मत बोलना कि मैंने ज्यादा ये क्रिटिसाइज करा, आप खुद फील करोगे जब मूवी देखने जाओगे। मेरे को तो ये लग रहा है कुछ टॉपिक से हटके क्यों नहीं मूवी बना देते यार तुम, वार चल गई, पठान चल गई, तो क्या तुम डायरेक्टर को समझ में आना चाहिए यार, हर बार तुम एक ही टॉपिक, वो फाइट सीन, देशभक्ति, ये भक्ति, कितनी बार कराओगे बंदे से, तो ऐसा नहीं होता भाई साहब। ठीक है ले आए तुम, देखते हैं क्या होता है, हमें तो देखना जाना ही पड़ेगा, रिव्यू करना है मूवी का, हम तो जाएंगे लेकिन जनता जाएगी नहीं जाएगी देखते हैं भाई। चलो गाइस, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, थैंक यू गाइस।